फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 की पोट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है द फाउंटेन को एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम के राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेर। पोएम पे आने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप कुछ क्या चाहते हैं इस चैनल पर, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इस पोएम में पोएट ने, कवि ने फाउंटेन को एक्सप्लेन किया है कि फाउंटेन कैसे 2400 घंटे गतिशील रहता है, प्रसन्न रहता है, या किस स्थिति में फाउंटेन या फव्वारे की क्या स्थिति होती है। और उसने चाहा है कि उसका जीवन भी फाउंटेन या फव्वारे जैसा हो जाए। ये जो पहला स्टैंजा मैंने पढ़ा, इसमें कभी बता रहा है कि सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में फवारा कैसा होता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में फवारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक उछलता कूदता रहता है और चमकता रहता है। लीपिंग मतलब होता है उछलना कूदना, और फ्लैशिंग मीन्स चमकना। तो सूर्य के प्रकाश में फवारा प्रकाश से भरा होता है और सुबह से लेकर रात तक उछलता कूदता रहता है और चमकता रहता है। इनटू द मून लाइट whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। अब चांदनी रात में फवारे की स्थिति को वर्णित किया गया है। जब चांदनी रात होती है तो यह जो फवारा है बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। बर्फ बहुत सफ़ेद होती है और चांदनी रात में कवि का कहना है कि फवारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और इस चांदनी रात में जब हवा बहती है तो यह फवारा फूलों की तरह लहराता है। अब तीसरे स्टंजा पे आते हैं। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। अब स्थिति बदल जा रही है। इस स्टंजा में ना तो सनलाइट है ना तो मून लाइट है। सितारों की जो टिमटिमाहट होती है, सितारों की जो हल्की रोशनी होती है, उसमें फव्वारा कैसा दिखता है या क्या कुछ करता है, उसको कवि ने वर्णन या वर्णित किया है। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। टिमटिमाते सितारों के बीच फवारा फुहारा देता है, बल्कि फुहारे के रूप में दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। और यह फवारा आधी रात को भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। दिन हो या रात हो, सनलाइट हो, मूनलाइट हो, स्टार लाइट हो, हमेशा ही यह फवारा प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन ब्रीथ सम
एंड चियरी. स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड नेवर ए वियरी. इन पंक्तियों में कवि फवारा की मन स्थिति को और उसकी जो गतिविधि है उसको वर्णित किया है. एवर इन मोशन, फवारा हमेशा ही गतिशील रहता है. ब्लिथसम एंड चेरी. ब्लिथसम का मतलब है खुश और चेरी का मतलब भी खुश या हर्षोल्लास होता है. तो हमेशा यह गतिशील होता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है. स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड नेवर ए वियरी. और यह लगातार स्वर्ग की तरफ चढ़ रहा होता है. स्वर्ग से मतलब है वह स्थान जो खुशियों से भरी होती है. तो हमेशा ही यह फवारा खुशियों की तरफ बढ़ रहा होता है. नेवर ए वियरी, कभी थकता नहीं, मतलब यह खुशियों की तरफ हर क्षण हर पल बढ़ता रहता है बिना थके हुए. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट. अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट. सभी मौसमों में, चाहे मौसम जाड़ा का हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, सारे ही मौसम में फवारा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट. मौसम कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमेशा यह अपने उच्चतर प्रसन्नता पर रहता है. अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन बाई रेस्ट. और ये जो फवारा है ऊपर जाता है, नीचे आता है, और जब यह ऊपर पहुंचता है तो एक शिखर, एक बिंदु पर जो इसका चरम बिंदु होता है वहाँ पहुँचता है और फिर उसके बाद नीचे आने लगता है. तो ऊपर जाने और नीचे आने के बीच का जो क्षण होता है जहाँ से वह लौटना शुरू करता है, या वह क्षण जहाँ से ये उठना शुरू करता है, बस उतना ही इसका विश्राम होता है. फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम. चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम. फुल ऑफ नेचर, यह प्रकृति से भरा हुआ होता है, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है. प्रकृति से भरा हुआ होने से मतलब है कि प्रकृति के हर रूप में यह प्रसन्नता महसूस करता है, प्रसन्न दिखता है. नथिंग कैन टेम, कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई इसे अपने अधिकार में नहीं ले सकता, मतलब स्वच्छंदता, स्वच्छंद प्रसन्नता इसका स्वभाव है. चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम. यह हर पल हर क्षण बदलता रहता है और हमेशा यह समान होता है. यहाँ पे विरोधाभासी बात कही गई है कि हर पल बदलता है और हमेशा ही समान रहता है, का मतलब है कि इसमें जो बदलाव आते हैं वो प्रकृति के अनुसार बदलाव आते हैं, सुबह से शाम या रात, या सूर्य का प्रकाश हो या चांद की चांदनी हो या तारों की टिमटिमाहट हो, तो उसके अनुसार इसमें बदलाव तो आता है, लेकिन हर बदलाव में यह समान रूप से प्रसन्न रहता है. सिसलेस एस्पायरिंग सिसलेस कंटेंट डार्कनेस ऑफ सनशाइन दाई एलिमेंट. सिसलेस मतलब होता है निरंतर. सिजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ही
प्रेरणा का स्रोत होता है यह फव्वारा। प्रेरणा से मतलब है कि जिस तरह से यह हमेशा गतिशील रहता है, परिवर्तनशील होते हुए भी समान रूप से प्रसन्न रहता है, यह मानव के लिए, मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किसलेस कंटेंट निरंतर ही संतुष्ट रहता है। संतुष्टि के भाव में कभी कमी या अधिकता नहीं होती, हमेशा चिरस्थायी रूप से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस ऑफ सनशाइन दाई द डार्कनेस ऑफ सनशाइन दाई द एलिमेंट, अंधेरा और सूर्य का प्रकाश दोनों ही इसके घटक हैं। मतलब अंधेरा से मतलब दुखों से, दुखों को प्रेरित, दुखों के प्रतीक के रूप में हम अंधेरा अंधेरा शब्द का यूज करते हैं, और प्रकाश प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो फवारा सुख दुख दोनों को समेटे हुए है। ऐसा नहीं है कि इसमें जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। फवारा लगातार ऊपर जाता है, नीचे आता है, जैसे जीवन में आदमी के उतार चढ़ाव होता है, दिन रात होते हैं, सुख दुख आते हैं। तो उसी तरह से फवारा के फवारे में भी सुख और दुख उसके घटक हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह एक अस्थाई प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव रखता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट मी हार्ट बी फ्रेश चीयरफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन मतलब शाही फवारा। शाही इसलिए कहा गया है कि हम मानते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं संभवतः हमेशा प्रसन्न रहते हों, संतुष्ट रहते हों। यह दूसरी बात है कि होते हैं नहीं होते हैं अलग की बात है, पर ग्लोरियस फाउंटेन से लिखने से कवि का मतलब है कि यह फवारा बिल्कुल शाही होता है, सारे सुखों को अनुभूति कर रहा होता है और बिल्कुल संतुष्ट होता है। लेट मी हर्ट बी, और अब कवि इस बात की प्रार्थना कर रहा है, इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं भी ऐसा हो जाऊँ, मेरा हृदय भी ऐसा हो जाए, मतलब मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, अंधेरा हो या प्रकाश हो, तो मौसम कुछ भी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, या वसंत ऋतु हो, या अच्छा मौसम हो, खराब मौसम हो, कुछ भी हो, तो प्रकृति के अनुसार मैं बदलते हुए भी अपने आप में स्थिर रहूं और प्रसन्नचित्त बना रहूं। फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। फ्रेश चेंजफुल जो चीज़ बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है, वो हमेशा ताजगी भरी होती है। तो कभी यहाँ पे अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मैं भी परिवर्तनशील रहूं और ताज़ा बना रहूं। परिवर्तनशील से मतलब है कि प्रकृति के अनुसार बदलता रहूं। जब जीवन में प्रकाश हो या खुशियां हो, या जब जीवन में अंधेरा हो या दुख हो, या जीवन की तपिस हो या कुछ और ही स्थिति हो, तो उसके अनुसार मैं अपने आप को ढाल लूं और अपनी जो स्वाभाविक प्रसन्नता है उसको उसमें मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता में कोई परिवर्तन ना आए, मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता तो बनी रहे। हाँ, मैं प्रकृति के अनुसार बदलता रहूँ, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी इच्छा कवि ने व्यक्त की है। अपवर्ड लाइक दी, ठीक इस फवारे की तरह।